14% की ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है और अब ये ब्याज दरें जो रेपो रेट है 4.4% से 4.9% कर दी गई है। सबसे खास बात यही है। दूसरी खास बात यह कि इस बार CRR में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, यानी कि सिस्टम में से लिक्विडिटी और कम करने का फिलहाल RBI गवर्नर साहब का इरादा नहीं है। तीसरी खास बात है कि वित्त वर्ष 2023 जो इस पहली अप्रैल से हमने वित्त वर्ष की शुरुआत की है, अगले मार्च तक जो चलेगा, उसकी GDP ग्रोथ में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, न तो साल भर में न तिमाही दर तिमाही में। 7.2% की जो GDP ग्रोथ का आंकड़ा था वही जस का तस मेंटेन रखा है। लेकिन पॉलिसी में जो कुछ भी अगर खराब और चिंता की बात है तो वो है महंगाई, और महंगाई की चिंता RBI गवर्नर को दोनों फ्रंट पर है, ग्लोबल महंगाई की भी और साथ ही साथ लोकल खाने पीने की चीजों की महंगाई की भी। फूड इन्फ्लेशन अभी भी ऊपर है और RBI गवर्नर साहब के एक्सेप्ट करने के दायरे से बाहर है। अनुमान 1% से बढ़ाया गया है वित्त वर्ष 2023 के लिए। पहले अनुमान था महंगाई का 5.7%, इसे बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया, यानी कि 1% महंगाई बढ़ेगी और लगभग हर एक तिमाही में पहली से लेकर आखिरी तिमाही तक महंगाई दर बढ़ने के अनुमान है, और ये जो अनुमान है इन्हें बढ़ाया है। तो ये है अब तक की खास बातें। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, जहां पर ये कि अर्बन बैंक और ग्रामीण बैंक अपना जो होम लोन देते थे उसकी लिमिट को अब डबल कर पाएंगे, यानी कि दुगने होम लोन दे पाएंगे। और साथ ही जो ग्रामीण सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, जो गाँव में होते हैं, वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए वो अब कमर्शियल लोन बिल्डर्स को दे पाएंगे। अगर गांव में घर बन रहे हैं, कोई बिल्डर्स वहां रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो वो कोऑपरेटिव बैंक से भी लोन ले पाएंगे। ये कुछ एक बड़ी बात है। साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज है, UPI के साथ क्रेडिट कार्ड्स को लिंक कर दिया गया है, तो अब क्रेडिट कार्ड का दायरा थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये सारा का सारा एक्शन है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मुलाकात करते हैं देश के सबसे बड़े बैंक SBI के चेयरमैन दिनेश खारा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए, नमस्कार। बताएं सर, RBI गवर्नर साहब की तरफ से जो पॉलिसी में 0.5% की ब्याज दरें बढ़ाई गई, कैसे देखते हैं सर आप इसे? मेरे ख्याल से जैसा मार्केट ने तो ऑलरेडी इस चीज को फैक्टर कर लिया था, जब लास्ट 40 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ था तब से जो है मार्केट ने फैक्टर कर लिया था इस बात को, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली ही ये जो रेपो रेट बढ़ा है वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली है। लेकिन द टेंशन इज टू कंटेन द इन्फ्लेशन, सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज वेरी क्लियर। और ग्रोथ एक इमर्जिंग इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि इन्फ्लेशन को कंटेन करके रखा जाए जी, तो इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ये बिल्कुल स्टेप राइट डायरेक्शन में, लेकिन महंगाई का अनुमान गवर्नर साहब ने बढ़ाया है, क्या इसको देखते हुए आगे भी ब्याज दरें बढ़ने का खतरा अभी बरकरार है? आप गवर्नर साहब की लैंग्वेज को कैसे पढ़ रहे हैं सर? ये तो मेरे ख्याल से समय के साथ साथ पता चलेगा जी, क्योंकि ये सब चीजों में बहुत और वेरिएबल्स भी रहते हैं जिनका उनकी ध्यान में रखना पड़ता है, तो मेरा ख्याल से बट ये चीज वही क्लियर है कि RBI बड़े क्लोजली इन सब चीजों को मॉनिटर कर रहा है, उसको उसी तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा जी। एक और बात जो है वो CRR को लेकर है, इस बार CRR में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, क्या ये भी उम्मीद के मुताबिक है और आपको लगता है कि ये एकदम सही कदम है, फिलहाल बढ़ोतरी नहीं करना ठीक है? मेरा ख्याल से ये भी जो है ये भी एक्सपेक्टेड था कि शायद CRR में कोई इंक्रीज नहीं होगा, तो क्योंकि एक्सेस लिक्विडिटी ऑलरेडी काफी कम हो चुकी है, 5 ट्रिलियन के करीब थी, 5 लाख करोड़ के करीब थी पहले जब 40 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ था, ये अभी कुछ 3 लाख करोड़ के करीब है अभी, तो 50 बेसिस पॉइंट जब वो CRR बढ़ा था तो उससे कम हो गया। मेरे ख्याल से अब इसमें मेरे को उम्मीद नहीं थी हम लोगों को कि CRR बढ़ेगी। ओके तो ये एक अच्छी चीज है, और GDP ग्रोथ का अनुमान बरकरार रखा है RBI गवर्नर साहब ने इस साल के लिए 7.2% 7.2% पर, आपको लगता है सर इस बदले हुए माहौल में हासिल कर पाएंगे? बड़ा प्रैक्टिकल उन लोगों ने जो प्रोजेक्शन किया है, बड़ा प्रैक्टिकल प्रोजेक्शन है, तो मेरे को लगता है कि मेरे को पूरी आशा है कि ये संभव हो पाएगा जी। खारा साहब एक और चीज जो देखने को मिली, पिछली बार मिड पॉलिसी में जब ब्याज दरें बढ़ी उसके बाद से लगातार बैंक्स पास ऑन करते दिख रहे हैं, और जाहिर सी बातें करनी भी पड़ेगी, 0.5% जो आज ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है, SBI किस तरह से स्टैंड लेगा और कब तक आप उम्मीद करते हैं कि ये ब्याज दरें पास ऑन की जाएंगी? इस विषय में हम अपने ALCO में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही कुछ बदला पाएंगे जी। और एक और सवाल आपसे जाने से पहले जो मैं पूछना चाहता हूँ वो कि फाइनली क्रेडिट कार्ड्स को भी UPI के साथ लिंक किया गया है, डिजिटल पेमेंट्स
को लेकर आरबीआई गवर्नर साहब का जोर इस पॉलिसी में साफ दिख रहा है, कैसे देखते हैं सर आप इसे? बहुत ही वेलकम सिचुएशन है इकोनॉमी, हम लोगों की इकोनॉमी को देखते हुए क्रेडिट कार्ड के साथ में यूपीआई का लिंकअप होना जो है, इट्स वेरी वेलकम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और क्रेडिट पॉलिसी पर आप अपना एक क्विक रिएक्शन देने के लिए। दिनेश खारा साहब चेयरमैन एसबीआई के, बताते हुए अपनी राय आज।